हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द टेलर मेंशन में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये अपना पेंट कटिंग का है। पेंट का कपड़ा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, और इसको उल्टा करके डबल फोल्ड करें इस प्रकार से। इधर सीधा हिस्सा है और इसको उल्टा करें, फिर इसको डबल फोल्ड करें। और इसका जो मेजरमेंट है 39, इसकी लेंथ है 39, 38 इसकी कमर है, हिप है दोस्तों 42, और जांग है 25। फिर दोस्तों मोरी है 14.5। इस मेजरमेंट की कटिंग करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों कपड़ा बिल्कुल सीधा करना है, यहाँ से इस प्रकार से कपड़ा बिल्कुल सीधा कर लें। अब अपने को दोस्तों सबसे पहले करना है लेंथ का मार्किंग, लंबाई का 39 है, 1.25 इंच का अपना जो बेल्ट आएगा उसके लिए अपने को माइनस करना है, कम करना है। और यहाँ से अपने को मार्किंग करनी है 38 पे, 39 लेंथ है, 1 इंच कम कर दें और यहाँ पे 38 पे मार्किंग करें, और 2.5 इंच नीचे अपना मोरी के लिए मार्किंग कर दें, तुरपाई होएगी इस प्रकार से। 38 पे मार्किंग करके 2.5 इंच और लगा दें। अब अपना जो आसन होता है लटक जिसको बोलते हैं उसका मार्किंग करेंगे, 42 इसकी हिप है, तो इसका 1/4 करेंगे 10.5। तो यहाँ से अपने को मार्किंग करना है 10.5 का इस तरह। यहाँ से दोस्तों मार्किंग बिल्कुल सीधा करें इस प्रकार से, और अपनी जो नीचे की मार्किंग है इसको भी सीधा करें इस तरह। अब अपने को दोस्तों मार्किंग करना है वो अपनी जांग की, 25 जांग है, इसका आधा करें तो 12.5 यहाँ पे मार्किंग करें, 25 का आधा, और इसको मार्किंग यहाँ करें। और यहाँ से अंदर की साइड अपने को 1.5 इंच का मार्किंग करना है। अब यहाँ से कितना आ रहा है अपना, इसका मेजरमेंट करें तो 11 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ से अपने को मार्किंग करना है 11 में 1 पॉइंट कम, थोड़ा 2 पॉइंट और दबा दें अंदर की साइड इस तरह। यहाँ से अपने को ये मार्किंग इस तरह टच करनी है इस प्रकार से। यहाँ से दोस्तों अपना जो सामना डाउन देना है इसको यहाँ से 1.25 इंच का मार्किंग करें, और इसको इस प्रकार से मार्किंग करना है अपने को सामना इस तरह। यहाँ से अपना जो चैन का मार्किंग है 2.5 इंच पे अपना चैन का मार्किंग करें, और यहाँ से इस तरह। अब दोस्तों अपने को यहाँ से मेजरमेंट करना है कमर का, कमर है 38, इसका 1/4 करें, तो यहाँ से 9.5 पे मार्किंग करें इस तरह। अब अपने को जो रखना है अपनी सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए अपना दबाव के लिए, दोनों तरफ दबाव दबेगा सिलाई के अंदर, वो कपड़ा लेना है अपने को यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन इस तरह, ये मार्किंग कर लें। अब दोस्तों इसका जो आधा हो रहा है अपना 12.5 का, 6.25 का मार्किंग करें। तो चलिए दोस्तों मोरी का जो मार्किंग है वो भी इसी तरह करना है अपने को, यहाँ से जितना अपना आ रहा है, यहाँ से 12.5 अपना है तो यहाँ से भी अपना 12.5 लें और इसका आधा करें, 6.25 पे मार्किंग करें। अब दोस्तों मोरी का जो मेजरमेंट है 14.5 है, तो इसका आधा आधा करके 14.5 का आधा हो गया 7.25, और 7.25 का दोस्तों आधा हो गया 3.5 1 पॉइंट, तो यहाँ पे अपने को मार्किंग करना है 3.5 1 पॉइंट की इस साइड और 3.5 1 पॉइंट इस साइड। ये अपना मोरी का मेजरमेंट इस तरह मार्किंग करना पड़ेगा। फिर दोस्तों अपना जो 20 सेंटर का है इस मार्किंग को अपने को मार्किंग करना है 20 सेंटर का, दोनों साइड से अपना इस तरह 20 सेंटर का मार्किंग करें इस प्रकार से। अब अपने को इसके अंदर सेफ राउंड लगाना है इस तरह दोस्तों, सेफ पट्टी रखें और यहाँ से थोड़ा इसको क्रॉस कर दें बाहर की साइड इस तरह, और दूसरी साइड अपने को सेफ राउंड लगाना है। यहाँ से थोड़ा इसको क्रॉस करें इस प्रकार से। फिर दोस्तों अपने को यहाँ से जो सेफ लगानी है इस प्रकार, यहाँ से अपने को ये सेफ इस तरह राउंड लगाएं। यहाँ से अपनी जो कमर है 38 इस तरह, इस प्रकार से दोस्तों मार्किंग करें पेंट की। यहाँ से अपना जो चैन का मार्किंग है 2.5 इंच का, यहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड, और यहाँ से अपना सामना डाउन हो रहा है ये 1.25 इंच का, और यहाँ से अपनी जो क्रॉस पॉकेट है इसके लिए यहाँ से अपने को मार्किंग करना है 2.25 से 2.5 इंच का,
तो 2.5 इंच का मार्किंग करें यहाँ पे, अपनी पॉकेट का जो मार्किंग करना है लेंथ का 7.25 इंच पे मार्किंग करें और इसको इस प्रकार से दोस्तों क्रॉस करें, इस तरह इसको क्रॉस करें और यहाँ से अपना जो 7.25 इंच की अपनी टांकी आएगी इस तरह, फिर अपना जेब का जो मुँह रह जाएगा पॉकेट का 6 इंच का, नीचे की साइड में अपना पॉकेट है वो दबेगा इस प्रकार से दोस्तों पेंट का मेजरमेंट। अब दोस्तों इसका कटिंग करेंगे सामने का, जुड़े रहिए वीडियो में दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बता रहा हूं मैं। इस प्रकार से दोस्तों अपना जो सामना कटिंग है यहाँ से दोस्तों अपनी मोरी का जो मार्किंग हो रहा है तो यहाँ से इसको इस तरह कट लगाएं कुट का, फिर अपने को दोस्तों यहाँ पे कट लगाना है पॉकेट का, यहाँ से अपनी चैन का जिप जिसको बोलते हैं इस तरह। अब अपने को दोस्तों बैक कटिंग करनी है तो यहीं से इस कपड़े को इस तरह रख लें, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार से अपना ये रखे सामना इसके ऊपर, इस तरह तो दोस्तों अपना जो मार्किंग है इसको बिल्कुल सीधा कर लें। ये मार्किंग बिल्कुल सीधा करें और ये मार्किंग यहाँ से सीधा करें। अब अपने को ऊपर का जो मार्किंग करना है वो यहाँ से 1.5 इंच का मार्किंग करें इस तरह, और यहाँ से अपने को ये मार्किंग इस तरह कर लें। अब अपने को दोस्तों हिप का मार्किंग करना है, इसका हिप है दोस्तों 42/42, तो इसका 1/4 करेंगे 10.5, 10.5 पे मार्किंग करें और 1 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा डालें लूजिंग का इस तरह। इस प्रकार से दोस्तों अपना हिप का मेजरमेंट करें, फिर अपने को दोस्तों यहाँ से अपना कमर का मार्किंग करना है तो यहाँ से अपना कमर है दोस्तों 38, इसका 1/4 हो गया 9.5, 1 इंच अपना मार्जिन का आ रहा है और 1 इंच अपना जो बैक में लूपिंग डलेंगी प्लेट, सॉरी पॉकेट के जो प्लेट डलते हैं बैक के अंदर डबल, उसके लिए अपने को 1 इंच का इसके अंदर चाहिए और 2.5 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा अपना मार्जिन रहेगा पीछे का। इस तरह दोस्तों यहाँ से इसका मार्किंग करें और इस मार्किंग को इस तरह सीधा करें और यहाँ से अपना 2.25 से 2.5 इंच ले सकते हैं और इसको इस तरह मार्किंग करें इसका। फिर दोस्तों अपना यहाँ से 1.5 इंच का ऊपर की साइड लिया है तो इसको अपने को इस तरह मार्किंग करना है और यहाँ से दोस्तों अपने को लगाना है राउंड, इस प्रकार से, और यहाँ से अपना जो कमर का सिलाई आएगा यहाँ से लेना है दोस्तों अपने को 1.25 से 1.5 इंच इस तरह। फिर अपने को इसके अंदर सेफ राउंड लगाना है इस प्रकार से और यहाँ से करीबन 1.5 इंच अपना मार्जिन रखें लूज टाइट के लिए और यहाँ से अपने को थोड़ा क्रॉस करना है बार की साइड ये अपना बैक का मार्किंग पूरा हुआ।
यहाँ पे लगाएं दोस्तों थोड़ा कट। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट कर में बताएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को के अपने YouTube चैनल पे।